दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग और एक अनोखा अट्रैक्शन। मैं हूं दुबई में और इस बिल्डिंग का नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो आओ मेरे साथ, मैं आपको इस जगह का डिटेल टूर करवाता हूं। ये है एंट्रेंस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की, बट हम इस साइड से आए हैं। बाहर से देखने में ये जितना छोटा लगता है ना, अंदर से उतना ही विशाल है। ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही एलियंस आया है, कुछ पता नहीं बैटरी से कैसे चलती है पता नहीं, लेकिन बहुत ही अलग है। इस म्यूजियम में टोटल 5 चैप्टर हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है OSS होप। ये एक लिफ्ट है जिसमें हम आए हैं। इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि अभी हम हैं 2071 में और हम ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस शटल की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में जाने के लिए, जहां पे है हमारा ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन। ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा है, इतना जबरदस्त इन्वायरमेंट बना रखा है कि हमें खुद को ऐसा फील होता है हम 2071 में ही चल रहे हैं। यहां पे इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज बनाई हुई हैं। उनमें से एक है मून से एनर्जी जनरेट करना। इसमें मून पर सोलर पैनल लगाए हुए हैं जो लेजर बीम के थ्रू अर्थ पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और पूरी धरती की एनर्जी नीड्स इसी से ही पूरी होती हैं। इस चैप्टर के एंड में हमें भेज दिया जाता है इजेक्शन पोर्ट्स में, जो हमें वापस लेके जाते हैं दुबई। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्नीक पीक मिलता है 2071 के दुबई के एयरल व्यू का। फर्स्ट चैप्टर आपने देख लिया, ये सेकंड चैप्टर है लेवल 4 पे। सेकंड चैप्टर बेस्ड है नेचर के ऊपर। इसमें आने के बाद यहाँ पे रखे हुए हैं मोर देन 2500 स्पीशीज के DNA, जिसको स्कैन करके हम जान सकते हैं कि वो 2071 में लुप्त हो गए हैं या नहीं। अभी ये एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, ये है, ये चीज पता नहीं क्या है, जो भी है। ये नहीं, ये खत्म हो जाएगा 2027 तक। क्या ये बस ये चीज बता रखी है, रेड हो गया ना तो ये डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इन्होंने यहाँ पे ये दिखा रखा है कि आने वाले टाइम में कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें आग भी नहीं लगेगी। अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 3 और इस चैप्टर का मेन फोकस है आपको टेक्नोलॉजी से डिसकनेक्ट करना और खुद से रिकनेक्ट करना। सारा रिलैक्सेशन पोज है जो आप रिलैक्स करके लेट सकते हो यहाँ पे।
अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे। ये है बेस्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे, जिसमें दिखाया गया है फ्यूचरिस्टिक कार्स, साइकिल्स, रोबोट्स एंड फ्लाइंग सूट्स भी हैं। बिलो 10 ही अलाउड थे, अबव 10 नहीं जा सकते थे, तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। सारा म्यूजियम घूम के आ गए हम घर पे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और व्लॉग्स मेरे देखते रहो। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप सबके लिए।